नमस्कार। आपका नाम? लता जोशी। तो मैम कैसा माहौल है आज? सोमवार पहला सोमवार है सावन का, तो किस तरह से उत्साह है? बहुत उत्साह है, पहला सोमवार है, इतनी भीड़ है। देखो इतना टाइम हो गया, इस समय भी इतनी भीड़ है, मॉर्निंग से ही भीड़ होगी काफ़ी, इसलिए इतनी अच्छी भीड़ है। बहुत अच्छा लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम इस मंदिर में आई आज, पहली बार, बहुत अच्छा लगा। सावन को लेकर कितना महत्व है आप? बहुत महत्व है सावन का। तो देखिए सर आपका नाम? मेरा नाम है सुमित। कहाँ से आए हैं सर आप? यहीं से हैं। नैनी विहार कॉलोनी। विहार हल्द्वानी। अच्छा आप पहली बार आए हैं फिर? हाँ। कितना महत्व है फिर? बहुत महत्व है सावन के सोमवार का। थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कितना, मतलब आप कब से व्रत रखते हुए आ रहे हैं? व्रत तो वैसे मेरा नहीं है, व्रत तो इनका है। शादी के बाद ही स्टार्ट किया, मतलब पहले तो रखते हैं, लेकिन हाँ मम्मी लोगों को देखा है पहले से कि सावन के व्रत रखते हैं। है ही सावन की तो सोमवार की है ना मान्यता इतनी है कि मतलब एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ा दो कितना महत्व होता है, बस यही है। तो मैम ऐसा बोला जाता है कि सावन के जो व्रत रखते हैं उनकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, आपकी भी पूरी हुई हैं अभी तो? मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर इच्छा हो कि सभी पूरी हो जाए, अब है ही कि भगवान तो अपनी है ना कृपा दृष्टि सभी भक्तों पर बनाते ही बनाते हैं, कि है कि जो मांगा मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई बहुत बड़ा मांग लिया और वो मिल गया। तो ये थे कुछ श्रद्धालु जिनसे हमारी टीम ने बात की। आपको बता दें आज सावन का पहला सोमवार था, जिसके चलते आज बेल बाबा मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेल के पत्ते समेत हर वो चीज़ लेकर पहुँचे और भोलेनाथ को अर्पित की जो उन्हें पसंद है। वहीं श्रद्धालु ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। साथ ही शिव भक्तों ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आस्था के साथ जल अभिषेक भी किया, और ये तो स्वाभाविक है कि इतनी भीड़ में मंदिर के पुजारी जी से बात कर पाना बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने पंडित जी के साथ थोड़ी बातचीत की, तो देखिए क्या कहना है पंडित जी का। बेल का पेड़ था एक, उसके नीचे बैठे रहते थे, तो उन्हीं के नाम से बेल बाबा आश्रम पड़ा है। जब उनके यहाँ समाधि हो गई तो तब से लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो भी अर्चना प्रार्थना करते हैं उनकी पूरी हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ इस स्थान का नाम बेल बाबा आश्रम पड़ा है। उन्हीं की पूजा पाठ होती है, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ शिव मंदिर बनाया है, फिर देवी का मंदिर बनाया है, हनुमान मंदिर बनाए, काली का भी मंदिर बनाए, तब से यहाँ कोई शिवरात्रि को तो बहुत बड़ा मेला लगता है, और बाकी शिव सावन के महीने में पूरे हर सोमवार को ज़्यादा, और जन्माष्टमी जैसे पंडित जी आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में कितने बजे से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं? आज सुबह 4 बजे से आ गए। और क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पे की गई हैं? यहाँ पे व्यवस्था जल की तो पूरी व्यवस्था है, बेल के पत्री जो चढ़ाते हैं ये हम खुद अपनी ओर से देते हैं। सावन को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है आज? बहुत ही उत्साह, यहाँ 3:30 बजे से यहाँ श्रद्धालु आने लग गए थे, मैं 3 बजे उठ गया, आधे घंटे में तुरंत मैंने स्नान ध्यान करके अपना, उसके बाद 4 बजे से यहाँ, शनिवार को, मंगलवार को, सोमवार को, इतना कोई यहाँ कोई वॉलंटियर नहीं है, जिसको बेल बाबा बुलाता है ना, जो स्वयं आता है यहाँ शिवरात्रि में भी, लोग किसी से नहीं कहता यहाँ ना कोई अध्यक्ष, सब बेल बाबा है भोलेनाथ, वो खुद ही यहाँ ऑपरेट करते हैं, यहाँ इतने शक्ति स्थल है, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं कोई पता नहीं है। अभी देखो धर्मशाला बन रही है, आप खुद ही देखे आ रहे हैं, जैसे न्यूज़ वालों के लिए हम बहुत अच्छे वो हैं, उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, जैसे न्यूज़ यहाँ आप स्वयं सेवा कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं है यहाँ ना अध्यक्ष, ये हमारे गुरुजी हैं जो इन्हें अभी वो श्री नेगी जी ये बेचारे आते रहते हैं, 2-4 हो रहे हैं सज्जन, सब अध्यक्ष भी वही हैं, परमाध्यक्ष भी वही हैं, बेल बाबा सेक्रेटरी भी वही हैं, अकाउंटेंट भी। तो फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें जे न्यूज़। नमस्कार।